बदहाल बस स्टेशन। उत्तराखंड बने 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन नैनीताल जिले के रामगढ़ क्षेत्र की जनता उत्तराखंड बनने के बाद से ही यातायात की समस्या से जूझ रही है। कहने को तो यह उत्तर प्रदेश शासन काल का बस स्टेशन था, लेकिन अब वह भी उत्तराखंड बनने के बाद खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ तक कि इस बस स्टेशन का नाम अभी तक भी नहीं बदला गया। वहीं वित्त मंत्री का कहना है कि रामगढ़ जैसे बस स्टेशन को लेकर नई योजनाएं बनाई जाएंगी। उत्तराखंड बनने के बाद से नैनीताल से रामगढ़ के लिए सिर्फ एक ही बस चलती है, जिसका समय भी कोई निश्चित नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के शासनकाल में रामगढ़ को विशेष दर्जा प्राप्त था और यहाँ के लिए खासतौर पर मुख्यालय से जोड़ने के लिए 4 बसें चलाई जाती थीं, क्योंकि रामगढ़ का क्षेत्रफलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से सेब, आड़ू, खुमानी, नाशपाती जैसे फलों की सप्लाई भी इन्हीं रोडवेज की बसों से की जाती थी। वक्त बदला और यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के हिस्से में आ गया, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ की स्थिति बदल गई और यहाँ का बस स्टेशन खंडहर में तब्दील हो गया। जहाँ देखो वहाँ पर कूड़े का ढेरा लगा हुआ है और यह यहाँ गायों भैंसों के तबेले में भी तब्दील हो चुका है। और तो और यहाँ के बस स्टेशन का नाम तक नहीं बदला गया है, अभी भी यह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लिखा हुआ है। रामगढ़ का यह बस स्टेशन अभी भवाली डिपो के अंडर में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष दर्जा प्राप्त रामगढ़ क्षेत्र की उत्तराखंड बनने के बाद से कोई भी सुध नहीं ली गई है। लेकिन जब रामगढ़ पहुंचे वित्त प्रकाश पंत से खस्ता हालत रामगढ़ बस अड्डे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि रामगढ़ बस स्टेशन की स्थिति का मामला आज उनके संज्ञान में आया है और रामगढ़ जैसे बस स्टेशन को लेकर नई योजनाएं बनाई जाएंगी। देखिए, बस अड्डे की हालत बहुत ख़राब है। इसका पूरा बिल्डिंग छीर्ण जीर्ण छीर्ण हो चुकी है। उसके अलावा गंदगी का भंडार है, चारों तरफ से इसकी गंदगी है। और अगर कोई यहाँ पे खड़ा भी होता है तो उसको पूरी मतलब दुर्गंध से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये हालत है इसकी, मच्छर मतलब गंदगी और सब कुछ इसके अंदर है। अभी बसों की हालत भी ऐसी कि बसें यहाँ बिल्कुल जो रोडवेज की बसें हैं केवल एक बस यहाँ चलती है, बसें भी ज़्यादा यहाँ कोई चलती नहीं है। और उसके अलावा प्रशासन की तरफ से बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है कि कोई भी इसकी सफाई नहीं है, ना सफाई ना कुछ, और ना बिल्कुल गंदगी गंदगी हो रखी है इसकी। इस बारे में ये कहना है कि इसमें हम लोगों ने इस बीच भी काफी यहाँ के जितने भी हमारे ग्रामीण लोग हैं, हमारा व्यापार मंडल है, हम सब लोगों ने मिलकर के प्रशासन को हम बार बार समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। हम लोग इसकी सफाई भी खुद करते हैं, लेकिन आज की तारीख में ये खंडहर बन चुका है। जगह में कुछ रह नहीं गया है, प्रशासन को बार बार अवगत कराया गया है, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। गंदगी बहुत ज्यादा है, एक ही बस चल रही है, एक बस चलती है यहाँ पे, बसों में कुछ नहीं है। कोई इसमें प्रशासन को अवगत एक ध्यान देना चाहिए इसमें कि ये पूरी एक सरकारी बिल्डिंग खत्म हो चुकी है। नहीं तो हमको खुद इच्छुक है, हमें प्रशासन इसको करके को एक टूरिज्म को बढ़ावा मिल जाएगा इसमें, हम खुद टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं। विभाग के माध्यम से विभिन्न जिलों के प्राथमिकता के आधार पर बस अड्डों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। जिन स्थानों पर भूमि उपलब्धता है उन पर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से भी बना रहे हैं और रामगढ़ को भी हम प्राथमिकता से देखेंगे। आज मेरे संज्ञान में विषय आया है और इसको प्राथमिकता से सर है।